अस्सलामुअलैकुम वर्षद के, कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज कौन सी तारीख है? मुझे नहीं पता आज कौन सी तारीख है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आज जुमरात है। मैं पिछले 3 दिन से कोशिश कर रही थी पिशुकान जाने की। पिशुकान ग्वादर से कितनी देर के रास्ते में आते हैं? 40 मिनट की दूरी पर है, और उससे थोड़ा आगे फिर गंज है, मेरी फेवरेट जगह, जिसके लिए मैंने इस चैनल पे अभी तक वीडियो अपलोड नहीं की, लेकिन इंशाल्लाह उसको भी कवर करेंगे। लेकिन पिशुकान जाने का रीजन मेरी ये कि मुझे बहुत सारी किताबें जो है ना, जुनेद अकरम ने कराची से डोनेट की थी। कुछ किताबें जो है मैंने ग्वादर की लाइब्रेरीज में दी, कुछ जो है मैंने चेक पोस्ट अच्छा जी कुछ किताबें जो है मैंने पंजकूर भेजी थी, और अब कुछ किताबें जो है मैं खुद पिशुकान में एक गर्ल्स स्कूल है उनको देने के लिए आई हूँ। क्योंकि मैंने जीवनी में भी मैंने डोनेट की कुछ किताब, फौजदार के लिए भी मैंने कुछ किताबें रखी थी, लेकिन अभी तक मैं वो भेज नहीं पाई। तुर्बत में मैंने भेजी है किताबें, 5-6 जगहों पर किताबें डोनेट कर चुकी हूँ, लेकिन अब पिशुकान पे जो है मुझे किताबें खुद जगह पहुँचानी थी। क्योंकि यहाँ पर एक गर्ल्स स्कूल है जिनकी मैडम है मैडम अनिला, और उनसे मैं खुद मिलना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना इंस्पायर किया है ना, इतना इंस्पायर किया, और उन्होंने हमारे यूथ को कितना इंस्पायर किया, उनकी स्टोरी इतनी इंस्पिरेशनल है। उनसे भी आपको इंशाल्लाह मिलाऊंगी मैं भी। हम पिशुकान के बहुत करीब हैं, पूरे रस्ते हमने बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट्स लिए, उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। तो मुझे यहाँ से पिशुकान के घर नजर आ रहे हैं, आपको भी दिखाती हूँ। जी तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पिशुकान में। तो यहाँ पर आते ही साथ मैंने लाइब्रेरी का विजिट किया, क्लासेस का विजिट किया, और अभी भी लाइब्रेरी का मेरा विजिट चल रहा है, क्योंकि हमने जो बुक्स लाई थी इनको देने के लिए वो अभी तक मैंने दी नहीं है। यहाँ आकर मैंने एक चीज नोटिस की कि यहाँ की बच्चियां बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ज्यादा एक्टिव है, और ये शर्माती नहीं है ऑन कैमरा बात करने में। और मैंने इससे पहले जितनी जगह पर विजिट किया है जहाँ पर खासकर लड़कियां हैं मुझे मिलती थी, तो मैं चाहती थी मैं उन लड़कियों का इंटरव्यू करूँ, लेकिन किसी न किसी वजह से ना मैं उनका इंटरव्यू कर नहीं पाती थी। मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ की लड़कियाँ दो स्टेप आगे हैं, हर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती हैं। तो मैं अभी आपको यहाँ की स्कूल की कुछ लड़कियों से मिलवाती हूँ। सारी अच्छे मैं कहना लाइब्रेरी इतना वाला है एक्टिव ना बिता, एक वीडियो भी अपलोड कराता है हमारा जो किताब जरूरत बिता, और यानी बस बस मेहनत वाले कर हमारा किताब दाता सही सदा से गीचकर किताब हमारा रास्ता। स्पेशली मैं मैडम इन के हमारा सपोर्ट कर गई, मैं स्कूल वास्ता मैं टीचर वास्ता माँ खुशी के हमारा जो भी किताब बरसी सारी सारी किताब बरसी मैं वास्ता जिंदगी में चीजें देखने। मेरे पास स्कूल के कुछ लड़कियां मौजूद है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये बिल्कुल भी कैमरा शाई नहीं है, और इतनी एक्टिव और इतनी एनर्जेटिक हैं कि ये बिल्कुल ओपनली आ गए मेरे साथ, उन्होंने ऑन कैमरा बात की। मैं सबसे पहले आपको मिलवाना चाहूंगी। मेरा इनको दिखाने का मकसद ये था कि हमारी लड़कियां माशाल्लाह से बहुत एक्टिव हैं और दिन ब दिन और एक्टिव होती जा रही हैं। मैं यही जानना चाहूंगी कि इतनी एक्टिव हैं, गोल्स इतने क्लियर हैं आगे के, तो आप आगे चल के क्या बनना चाहेंगी, फ्यूचर में आपने क्या सोचा है? मैं डॉक्टर बनूंगी, लाइब्रेरी की टीचर। ये बहुत यूनिक चीज है, मैंने आज तक जितनी भी जगह पर स्टूडेंट्स कवर किए मैंने ये नहीं सुना कि कोई लाइब्रेरी का टीचर बनना चाहता है। आप ऐसे क्यों बनना चाहती है? मुझे लगता है आप अपने स्कूल की वजह से बहुत इंस्पायर हुई होंगी। यस, अब भी डॉक्टर बनना चाहती हैं? वैसे क्यों डॉक्टर बनने का कोई रीजन ये है कि सब मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं, तो आप भी मेडिकल में जाना चाहती है, कोई और रीजन है? मेरा शौक है, डॉक्टर की ज्यादा जरूरत है। अच्छा, तो जब आप डॉक्टर बन जाएंगी तो आप अपने एरिया के लोगों को सर्व करेंगे या बाहर चले जाएंगी बाकी की तरह? अपने एरिया में। तो आपके एरिया में है फीमेल डॉक्टर्स यहाँ पर या नहीं है? मतलब आप यहाँ से पढ़कर कुछ सीखकर अपने ही लोगों को सर्व करना चाहते हैं? Yes. तो मुझे बहुत अच्छा लगा मिलके, मैं आपको और दो लड़कियों से मिलाना चाहती हूँ गर्ल्स साइड के। तो मेरे साथ अभी दो बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स मौजूद हैं, आजरा और बख्तावर। मेरा नाम बख्तावर फतेह मोहम्मद है, मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ। पहले हमारे स्कूल में बहुत छोटा था, इतना नाम नहीं था, मगर हम लोगों ने सब ने मिलकर अपनी मेहनत और मिस अनिला ने हमारे साथ होकर मिलकर अपने स्कूल का नाम बड़ा किया, सेकेंडरी स्कूल इसको बनाया हमने। इंशाल्लाह अब हम और मेहनत करके अपने स्कूल की नाम और अपने मुल्क की नाम बढ़ाएंगे। मैं हाजरा साहब, मैं अपने स्कूल की गर्ल्स गाइड हूँ, और ये मेरी एड है बख्तावर। बख्तावर और हाजरा से मैं वही सवाल करना चाहूंगी जो मैं बाकी स्टूडेंट से करती हूँ कि आप आगे चल के क्या करना चाहती हैं? मैं आगे चल के
के डॉक्टर बनना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ फीमेल डॉक्टर नहीं है ना। मैं डॉक्टर बनूंगी सिर्फ अपने शहर के लिए, अपने इलाके की औरतों के लिए काम करूंगी। मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बचपन शौक था। इन सबको देखकर मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए, क्योंकि मैं इतनी पराकू बिल्कुल नहीं थी। और आई विश कि अगर मुझे ये माहौल अपने वक्त में मिलता तो मैं भी, पता नहीं, मेरे भी गोल्स बड़े क्लियर होते। लेकिन मैं यही दुआ करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये स्कूल इतनी मेहनत से आगे बढ़ रहा है, यहाँ की लड़कियाँ इतनी क्लियर है अपने फ्यूचर को देखकर। ऑल क्रेडिट गोज टू मैडम अनिला, जिन्होंने इतना मोटिवेट किया बच्चों को। और मुझे तो स्कूल के बारे में सोशल मीडिया से ही पता चला, क्योंकि वहाँ स्कूल की लड़कियाँ जो है उनकी वीडियोस, उनके पोस्ट सारी मैडम अनिला शेयर किया करती थी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ आकर बच्चों से मिलकर, मैडम से मिलकर। और मैं ये चाहूंगी कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप इस स्कूल को बुक डोनेट करना चाहते हैं तो आप खुशी से कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर 1000 कुछ किताबें हैं और अभी और भी बहुत जगह है। आप देख रहे हैं पीछे कॉलम्स जो है बिल्कुल खाली है, आप डोनेट कर सकते हैं। रीडिंग अच्छे या रीडिंग कल्चर स्कूल है, रीडिंग कल्चर है डेवलप की थोड़ी व्यवस्था वहाँ फिर स्कूल एक आसान कमरा है सुबह ऐसा लाइब्रेरी यूज करने की नहीं। बुक डोनेशन कंपेन चलाई थी ये तो मनी लाइब्रेरी इंचार्ज आसमा है इंटरव्यू है एक शर्री रिस्पॉन्स है रस्त पंजाब अच्छे सूबे सिंध अच्छे बलूचिस्तान है दिल्ली इलाका अस्ता बाद में मतलब मैंने कॉन्टेक्ट को लाती किताब रात आते लात रात आए गए थे इसी तो का मजनी कंट्रीब्यूशन पहचान गनी नामी बचे के या कस्तर रात है माँ ये लाइब्रेरी असला बनाएंगे या ये कंपेन मकसद मनी अभी भी सके जनिकनी वास्ता एक अच्छी इदार है पिशुकान है तो कभी भी चाहे आ मनी स्कूल अमा भी डंडा भी भले आओगा मेनली जनिकनी भी मनी नजरा एक शर्ने गांव के जे अंगा तक चले गए और मन लोटा मन और मना से रन मनी टीम या मनी जो चौकसता है वे मनी हमें मोटे पर देवा विवरण।